ये तो कहते हैं अभी मेरी जन्म कुंडली निकाली जाए तो मेरी माँ का नाम राजकुमारी है और मेरे पिताजी का नाम हरिहरिया है। क्या नाम है? राजकुमारी और ऐसे गणेश जी के पिताजी का नाम शंकर और माँ का नाम पार्वती। मैं भी माँ राम राम लेकिन मेरी माँ ने 9 महीने मुझे अपने पेट में रखा। जब मुझे पैदा किया तो दर्दों का सामना किया। हॉस्पिटल में या घर में कहीं भी पैदा किया हुआ मुझे नहीं पता था। पैदा तो किया ही है। वो कहाँ से पैदा हुआ? माँ के पेट से पैदा हुआ। तब राजकुमारी मेरी माँ है। मैं किसके अंश से पैदा हुआ? मैं मेरे पिता के अंश से पैदा हुआ। तब हरदयाल जी मेरे पिता है कि नहीं? अब सुन लो गणेश जी के माता पिता कैसे हो। तुम खुद ही फैसला कर लेना सही है कि गलत है। पार्वती अम्मा है, महादेव पर्वत पर नहा रही थी। पार्वती माँ नहीं अम्मा। भाई मेरी माँ भी उनको माँ कहती है, उनकी माँ भी माँ कहती है। अम्मा हो गई ना, माँ दस हो गई। पार्वती अम्मा हिमालय पर्वत पर नहा रही थी। हिमालय पर्वत मतलब हिमालय। हिमालय पर्वत आने माने जहाँ लोग रुकते हैं। हिमालय तो हिम बर्फीला पर्वत पहाड़ जिसमें 24 घंटे बर्फ रहती है। और मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि एसी के अंदर अगर कोई व्यक्ति बैठा है एसी कमरे के अंदर, राजौरिया जी प्रागिला जी एसी कमरे के अंदर कोई बैठा है उसको पसीना आएगा? नहीं है। हिमालय पर्वत पर एक कण धूल नहीं है, मिट्टी नहीं है। क्या उस आदमी के ऊपर महल जलेगा? जहाँ मैल नहीं है धूल नहीं है तुम्हारे शरीर में मैल आ सकता है? जहाँ गर्मी नहीं है ये पसीना आ सकता है? नहीं। तो पार्वती अम्मा जब जब नहा रही थी तो तुमने अपने शरीर पे पत्थर मतलब ठीपी बोलते हैं ना, पत्थर रगड़ती महिला मैल छिटाने के लिए। और महिला हाँ किसने क्या बोलते हैं यहाँ पे घिसना? हम समझ जाओ घिसना, हम तो समझ गए बाने घिसना इतनो घिसो इतनो घिसो इतनो घिसो घिस घिस रे घिस 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 रे घिस घिस रे घिस। राम राम ढाई क्विंटल मेलो निकली कितनी लाई पार्वती अम्मा के बाम से मेल ही मेल करो और बाम मेल में तिल पुतला बना लो और बाकी गणेश जी पैदा। अब बताओ जी जी गणेश जी पार्वती अम्मा ने पेट में धरो 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 हाँ ना तो ऐसे करो ना तो गणेश जी की पार्वती अम्मा अपने पति से मिली नहीं मिली तो अंश से भी पैदा नहीं हुआ ना तो गणेश का चेहरा महादेव है। और जब अध्यक्ष से पैदा नहीं किया तो पार्वती गणेश जी की माँ नहीं है। और जिस हिमालय पे पसीना नहीं आता, जिस हिमालय पे मेल नहीं चलता, वहां पार्वती अम्मा के मेल कहां से आते हैं? कहां से आते हैं? इसका मतलब कि ना तो कोई पार्वती के मेल आया, ना कोई गणपति पैदा हुआ, ना पार्वती और शिव शंकर का मेल हुआ, ना पार्वती ने पेट में गणपति को रखा। ये तो सब मन गणगण काल काल कहानियां हैं जिनके तहत हमें तुम्हें बेवकूफ बना दिया। और तुम क्या कह रहे हो? माता जागी पार्वती। और बड़े चाव से गा रहे हैं। अंधेर को आंख दे दे कोड़ियन को काया, बांधन को पुत्र दे निर्धन को माया। गणपति भगवान जब तुम निर्धन को माया देते हो तो अपने पिताजी दे बेगा को दिन भर मर गठा बने रहते हैं। दो चार चप्पल पाउडर के खरीद ला दे काय काय को निर्धन रहे और क्यों मर गठा की आंख लगाते रहते हैं। इमामी पाउडर ले ले निर्धन को माया देने वाले ये सब स्वीकार की लड्डू आदमी खाते के पशु खाते तुमने नहीं क्या समझ सकते पशु खाते गणपति हाथी को
और तू लड़ुआ को देखा बुद्धि दे देगा आदमी को, पशु आदमी को बुद्धि दे सकता है नहीं है तो हाथ उठा के मना करो सभी। अब तो सब जमा कर रहे हैं और कर लेते सब कचीना मनोरंजन कर रहे हैं तो फिर ऐसे परिवर्तन होने वाला। सुमन चौधरी ने लगभग लगभग 15 साल हो गए ये पूजा पाठ छोड़ दिया, 33 करोड़ देवताओं को अपने घर से निकाल के नहर में डाल दिया और सुमन चौधरी के पेट में भी दर्द, ये 33 करोड़ नहीं कर पाए, इनकी औकात नहीं है कि सुमन चौधरी का गला भी कर दे। लेकिन आप क्यों डरते हो, आप क्यों डरते हो? अरे सुमन चौधरी का प्रोग्राम कोई मनोरंजन वाला प्रोग्राम नहीं है। अगर मैं और मेरी टीम, ये सभी साथी मेरे बैठे हैं, मैं और मेरी टीम के आने के बाद अगर आप लोगों में परिवर्तन ना हो, एक रात में अगर परिवर्तन नहीं होगा तो आज के बाद सुमन चौधरी गाना बजाना दोनों बंद कर देगा जी। मैं सही आज के बाद तुम